टिंकू, आज स्माइली के जन्मदिन पर चलो उसे एक सरप्राइज पार्टी देते हैं। हमें सफाई करनी है, घर को सजाना भी है और मेहमानों के लिए कुछ अच्छा, कुछ टेस्टी खाने को भी तो बनाना है चुटकी। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। तो बताओ बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हम घर की सफाई करने से शुरू कर सकते हैं। घर की सफाई? वो तो तुम करोगी ना चुटकी, वो लड़कियों का काम है, मुझे तो आता ही नहीं है। तुम वो अच्छा कर पाओगी? सफाई कोई भी कर सकता है और सफाई तो हम सबकी जिम्मेदारी है। चुटकी की तरह आप भी सफाई कर सकते हो। क्या सच में हैप्पी चाचा? हाँ टिंकू, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अरे वाह, टिंकू भी कर सकता है सफाई। देखा टिंकू, सफाई कोई भी कर सकता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। चलो अब कमरे को सजाते हैं। हाँ, पर पहले हमें सजावट का सामान खरीदना होगा। तो बच्चों, कुल मिलकर आप दोनों के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए। चलो साथ में लेकर सामान लाते हैं। क्या आप दोनों बता सकते हो कि हमने ये सभी सामान खरीदने में कितना खर्च किया? मैंने तो हमेशा पापा को हिसाब करते हुए देखा है, ये मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी, ये लड़कों का काम है, तुम हिसाब करो टिंकू। चुटकी बेटा, कोई भी काम लड़कों या लड़कियों का नहीं होता है। जैसे टिंकू सफाई अच्छे से कर सकता है, वैसे तुम भी हिसाब कर सकती हो। सब्जी 20 के, फल 20 के, टोपी 10 के, सजावट का सामान 20, केक 30 का। शाबाश मेरी प्यारी बिटिया। देखा चुटकी, थाना हिसाब करना आसान। हाँ टिंकू, बहुत ही आसान था। आज से मैं हमेशा अपने खर्चों का हिसाब रखूंगी। चलो शुरू करें सजावट अपनी और बढ़ाएं रौनक इस कमरे की। लाओ बच्चों, ये झालर ऊपर लगाने में मैं तुम दोनों की मदद करता हूँ। हैप्पी चाचा, मैं ये स्टूल लेकर आता हूँ आपके लिए। ठीक है, पर ध्यान से लाना टिंकू बेटा। अरे अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी है। टिंकू, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। चलो जल्दी से सजावट खत्म कर देते हैं। अरे वाह, ये कमरा कितना सुंदर लग रहा है। तो बच्चों, अब शुरू करें खाने की तैयारी। ये सैंडविच तो मैं आसानी से बना लूंगा। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे स्माइली। जन्मदिन मुबारक हो स्माइली। धन्यवाद हैप्पी चाचा, धन्यवाद दोस्तों, मुझे इतनी अच्छी सरप्राइज पार्टी देने के लिए। तो आपने देखा, कोई भी काम सिर्फ लड़का या सिर्फ लड़की का नहीं होता। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लड़कियां भी बन सकती हैं इंजीनियर और लड़के भी बन सकते हैं टीचर। जो चाहे वो भी बना सकते हैं। तो याद रहे दोस्तों, लड़कियां भी कर सकती हैं हिसाब, लड़के भी कर सकते हैं घर साफ। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।